जनरेटर मोमोर अंजुमन साहब जवान जो बाकी जवान गांव से शिक्षा मेहरबानी जवान गांव के अच्छा बाकी बुजुर्गों तो नहीं आता बाकी जवान को बुजुर्गों तो नस्त मेहरबानी आजाद हिंदू और इसम्बली होते हुए भी आवाम की आवाज जो है वहां दबाने का एक बेहतरीन वसीला यूटी। बहुत शुक्रिया। आप हम सब जानते हैं कि आज हमारा तीसरा दिन का अनशन है कि ये पूरा अभी हिंदुस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे, खासकर दिल्ली में जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठाना चाहिए था, क्योंकि आज हम एक बड़े डेमोक्रेसी में बैठ के अब हम अपनी जमहूरियत की बहाल की बात कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बार बार पोस्टरों पे सेफ लद्दाख, सेफ हिमालयस लिखे हुए हैं। हम समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी कल्चर, हमारे रिजर्वेशंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है।
आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज तक किसी भी एक पोटेंशियल स्टेप नहीं ली यहाँ के लोगों की बात को सुनने के लिए। इसलिए पूरे खत्ते लद्दाख के लोग लेह में एपेक्स बॉडी के बैनर तले और कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले आज हम सब अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। हम अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं, हम कोई इनसे ज़्यादा डिमांड्स नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे ट्राइबल लद्दाख 98% ट्राइबल होने के बावजूद हम यहाँ पे सिक्स शेड्यूल छठे शेड्यूल की और हमारे यहाँ पे जमहूरियत की बहाल की हम यहाँ पे स्टेटहुड की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे खत्ते लद्दाख की अभी 90% पॉपुलेशन जो है वो दोनों जगह लेह में एपेक्स बॉडी के साथ कारगिल में आप सब यहाँ देख सकते हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं और सरकार से अपनी रुतबा अपील कर रहा है।